So students, let me start the next topic of your syllabus, and that is network performance modeling. ये topic बेटा सीधा का सीधा आपकी जो book है ना नीरज नंद की, इसका आप कह दो chapter number 3 है. मैं आपको इसकी PDF send करती हूँ और एक दो मेरे hand written notes भी होंगे, मैं आपको send करती हूँ. So बेटा, what is network performance modeling? जैसे कोई administrator है, उसने network बना दिया. अब नेटवर्क में कोई इशू आ गया. इशू किस तरह का हो सकता है? इशू हो सकता है लाइक पैकेट्स बहुत डिले के बाद डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हैं, यानी डिले बढ़ गया है. या इशू हो सकता है कि पैकेट्स लॉस्ट हो रहे हैं, ठीक है, या कंजेशन हो रही है, या पैकेट्स के आपस में कोलिजन हो रही है. किसी तरह का नेटवर्क में कोई इशू आ गया. अब उस इशू का पता कैसे चलेगा? ठीक है, दिस इज़ द क्वेश्चन कि नेटवर्क ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा, पैकेट्स प्रॉपरली डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच रहे, तो कैसे पता चलेगा कि प्रॉब्लम है कहाँ पर? तो उसके लिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर पता क्या करता है, वो दो तरह के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं या बहुत सारे मेथड्स होते हैं देखने के लिए कि कैसे या कहाँ पर नेटवर्क में इशू आया है. उसमें से ना दो हम डिस्कस करेंगे, और एक मेथड तो मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुकी हुई हूँ. जब मैंने आपको याद होगा, आपको मैंने बताया था कि जो इंटरनेट पे जो डेटा है वो वन ऑफ द 8 कैटेगरीज में या क्लासेस में होता है, और उसमें जो सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाली क्लास थी, क्लास 7, उसमें था नेट मैनेजमेंट ट्रैफिक, मैनेजमेंट पैकेट्स या मैनेजमेंट ट्रैफिक. और उसमें मैंने आपको याद होगा बताया था कि ये जो पैकेट है या ट्रैफिक है जो क्लास 7 का, जिसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, ये क्यों यूज़ होता है? ये नेटवर्क में कहाँ पर प्रॉब्लम है उसको जानने के लिए यूज़ होता है. तो मैं आपको ना इसके बारे में फिर से बताती हूँ. अब आपको इतना तो पता लग गया कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है. इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है. सबसे पहले तो पता लगाना है प्रॉब्लम आई कहाँ है, ठीक है. उसको पता लगाने के दो तरीके होते हैं, वो मैं आपको भी करवाती हूँ. और जब एक बार पता चल गया कि प्रॉब्लम कहाँ आई है, अब हमने उस प्रॉब्लम को रीस्टोर करना है, ठीक करना है. तो ठीक करने वाला काम हमने इस चैप्टर में पढ़ना है कि एक बार हमें प्रॉब्लम डायग्नोज हो गई है, अब हमने उसको ठीक कैसे करना है, हमने कौन से एक्शंस लेने हैं उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए. सो नेटवर्क में कहाँ फेलियर है या कहाँ नेटवर्क में इशू क्रिएट हो रहा है, इसको पता लगाने के ना देर आर 2 मैथड्स. नंबर 1 इज़ यूजिंग नेटवर्क मैनेजमेंट पैकेट्स, जो क्लास 7 के पैकेट्स होते हैं. करता है क्या एडमिनिस्ट्रेटर, वो ना नेटवर्क मैनेजमेंट पैकेट्स को नेटवर्क में हर जगह सेंड कर देता है, ठीक है. उन पैकेट्स में कोई यूज़र का डेटा नहीं होता, वो जस्ट एक सिंपल पैकेट्स हैं, ठीक है. अब एडमिनिस्ट्रेटर ने पैकेट्स को पूरे नेटवर्क में स्प्रेड कर दिया. अब जो पैकेट्स तो घूम घुमा के वापस एडमिनिस्ट्रेटर के पास पहुंच जाते हैं, इट मींस उन्होंने जो पाथ फॉलो किया है वो पाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर टाइम पर वो पहुंच जाते हैं, ठीक है. जो पैकेट्स बहुत देर बाद पहुंचते हैं या जो पैकेट्स पहुंचते ही नहीं है वापस एडमिनिस्ट्रेटर के बाद, इसका मतलब उन्होंने जो पाथ फॉलो किया था उस पाथ में इशू है, या डिले बहुत ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर, या पैकेट्स लॉस्ट होते जा रहे हैं. सो इस तरह एडमिनिस्ट्रेटर पता लगाता है कि नेटवर्क में एक्चुअली में प्रॉब्लम है कहाँ पर. सो दिस इज़ द फर्स्ट मेथड, ठीक है. ये हमने पिछले चैप्टर में इसको डिस्कस कर लिया है. नाउ द सेकंड मेथड, हाउ एडमिनिस्ट्रेटर कम टू नो कि इशू एक्चुअली नेटवर्क में है कहाँ, दैट इज़ यूजिंग अ टूल दैट इज़ नोन एज ट्रैफिक मैट्रिक्स. ट्रैफिक मैट्रिक्स ना एक टूल है. अब ये है क्या, जस्ट जैसे एक मैट्रिक्स पढ़ी हुई ना अपने मैथ्स में, मैट्रिक्स इज़ अ अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, सेम वैसे मैट्रिक्स है, ठीक है. ट्रैफिक मैट्रिक्स में जो लेट अस सपोज हमारे नेटवर्क में 5 कंप्यूटर्स हैं, तो मैट्रिक्स के रो में भी 5 कंप्यूटर्स होंगे, मैट्रिक्स के कॉलम में भी वही 5 कंप्यूटर्स होंगे. सो अब आप ये डायग्राम में देखो, दिस इज अ डायग्राम ऑफ ट्रैफिक मैट्रिक्स. लेट अस सपोज वी हैव एन नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क, ठीक है. तो ट्रैफिक मैट्रिक्स ना पहली बात एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बनती है, जैसे कि या तो 1 घंटे की ट्रैफिक मैट्रिक्स है या 1 मिनट की है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की ट्रैफिक मैट्रिक्स होती है. अब ट्रैफिक मैट्रिक्स होती क्या है, इसमें होता क्या है, इसमें ना सारे कंप्यूटर्स को मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करते हैं. स्टैटिस्टिक्स है ये, एक स्टैट्स है, सारे कंप्यूटर्स को एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है. अब 1 कंप्यूटर, पहली रो और पहली कॉलम की बात करें, तो 1 कंप्यूटर ने 1 को ही डेटा भेजा है, कोई कंप्यूटर अपने आप को तो डेटा भेजता नहीं है, इसलिए सारे डायगोनल्स पे क्रॉस लगाया हुआ है, हर डायगोनल क्रॉस है, क्योंकि सेकेंड कंप्यूटर सेकेंड को डेटा भेजेगा नहीं, थर्ड को डेटा नहीं भेजेगा. अब जो अगर जो ये वाली वैल्यू है, जो बॉक्सेस हैं, जैसे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में एक बॉक्स बना हुआ है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में एक बॉक्स बना हुआ है, फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम में एक बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्सेस बताते हैं कि
जो रोज़ हैं वो सेंडर हैं, जो कॉलम्स हैं वो रिसीवर हैं, कि फर्स्ट ने जैसे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम एक बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स बताता है कि फर्स्ट कंप्यूटर ने सेकंड कंप्यूटर को उस टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड की हम ट्रैफिक मैट्रिक्स बना रहे हैं, उस टाइम पीरियड में कोई डेटा भेजा है, अगर भेजा है तो उसके सारा रिकॉर्ड इस सेल में लिखा होगा। क्या क्या लिखा होगा कि फर्स्ट ने कितने पैकेट्स भेजे सेकंड को, उसमें से सेकंड को कितने रिसीव हुए, कितने डिस्कार्ड हुए, डिले कितना था, उस टाइम बैंडविड्थ कितनी थी, स्पीड कितनी थी, कोई इशू तो नहीं आया, ये सारा कुछ जो है इस सेल में लिखा होगा 102 के जो इंटरसेक्शन वाला है। इसी तरह फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम की बात करें, वहाँ का बॉक्स जो है वो क्या बताएगा कि जिस टाइम पीरियड की हम ट्रैफिक मैट्रिक्स बना रहे हैं, उस टाइम पीरियड में क्या वन कंप्यूटर नंबर वन ने कंप्यूटर नंबर थर्ड को कोई डेटा भेजा था, अगर भेजा था तो उसकी सारी डिटेल्स होंगी। तो इस तरह ट्रैफिक मैट्रिक्स में हर सेंडर ने हर रिसीवर को उस टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड के हम ट्रैफिक मैट्रिक्स बना रहे हैं, जो डेटा भेजा था उसकी सारी डिटेल्स होंगी पूरी मैट्रिक्स में। अब एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, मैट्रिक्स बन गई, उसके प्रिंट आउट हो गया पेपर, वो जो है उसको अच्छे से स्टडी करेगा, स्टैट्स को अच्छे से स्टडी करेगा एडमिनिस्ट्रेटर। और उसको सपोज एक सेल ऐसा मिला कि इस सेंडर ने इस रिसीवर को डेटा भेजा था, 100 पैकेट्स भेजे थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 20 पहुँचे, 80 डिस्कार्ड हो गए, तो ये एक प्रॉब्लम है, आप कह दो कि प्रॉब्लम वाला एरिया है। इस यहाँ पर यानी इसका जो रूट इसने फॉलो किया था, इस सेंडर से इस रिसीवर तक डेटा जाने का जो रूट फॉलो हुआ था, उस रूट में अब प्रॉब्लम है, इशू वहाँ है, अब हमें वहाँ से वहाँ रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी तक मैंने सिर्फ इतना बताया कि तरीके क्या हैं पता लगाने के लिए कि प्रॉब्लम कहाँ है। ठीक है, अब प्रॉब्लम पता लग गई, अब हमने उन प्रॉब्लम को ठीक करना है। हेयर कम्स दिस टॉपिक, नेटवर्क परफॉर्मेंस मॉडलिंग। और बेटा मैंने पीडीएफ में आपको जो पहला पेज भेजा है हैंड रिटन, उसमें ट्रैफिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन दी हुई है। सो व्हाट इज़ ट्रैफिक मैट्रिक्स या व्हाट इज़ नेटवर्क परफॉर्मेंस मॉडलिंग? नेटवर्क परफॉर्मेंस मॉडलिंग इज़ अ टेक्निक टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ नेटवर्क डिज़ाइन, अनप्रडिक्टेबल ट्रैफिक डिमांड्स एंड अनएक्सपेक्टेड नेटवर्क फेलियर। नेटवर्क ट्रैफिक मॉडलिंग से हमें पता लगता है कि क्वालिटी क्या है नेटवर्क की। अनप्रडिक्टेबल ट्रैफिक डिमांड्स, एकदम से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक डिमांड आ जाती है, ट्रैफिक एकदम से बढ़ जाता है, अनएक्सपेक्टेडली एकदम से आ गया, उसको हैंडल कर पा रहा है नेटवर्क कि नहीं। अनएक्सपेक्टेड नेटवर्क फेलियर, एकदम से अनएक्सपेक्टेडली नेटवर्क फेल हो गया, उसको उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, उसको हैंडल कर पा रहे हैं हम। ठीक है, सो दीज ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म यूजिंग अ टूल नोन एज ट्रैफिक मैट्रिक्स। सो नेटवर्क परफॉर्मेंस मॉडलिंग हम किससे कर सकते हैं? ट्रैफिक मैट्रिक्स से। अ ट्रैफिक मैट्रिक्स इज़ अ टूल विच शोज इंडिविजुअल सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑफ पैकेट्स। ठीक है, आपने देखा ना ट्रैफिक मैट्रिक्स में रो में सारे सोर्सेज हैं और कॉलम्स में सारे डेस्टिनेशंस हैं, एंड ऑल्सो द वॉल्यूम्स ऑफ डेटा सेंड एंड रिसीव बाई ईच। और हर सेल में उसका डेटा, कितना डेटा गया, कितना रिसीव हुआ, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। हैंस यूजिंग ट्रैफिक मैट्रिक्स एनी सॉर्ट ऑफ फेलियर इन द नेटवर्क कैन बी ईजिली लोकेटेड। सो दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, लोकेटेड, किसी सॉर्ट कोई भी फेलियर को हम इजीली लोकेट कर सकते हैं कि फेलियर हुआ कहाँ है। ठीक है, अभी हमने रिजॉल्व नहीं किया, हमने जस्ट फेलियर को लोकेट किया है। अब रिजॉल्व करने के लिए अभी चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम नेटवर्क परफॉर्मेंस मॉडलिंग। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3, नेटवर्क परफॉर्मेंस मॉडलिंग, जो पहला पेज है ना, इस पेज में जस्ट इंट्रोडक्शन दी हुई है कि नेटवर्क परफॉर्मेंस मॉडलिंग होती क्या और ट्रैफिक मैट्रिक्स कैसे यूज़ होता है। तो ये तो मैंने आपको हैंड रिटन में एक पैराग्राफ में बना के दे ही दिया हुआ है। सो फर्स्ट पेज पे आपने कुछ नहीं करना। ठीक है, अब आप नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे, पेज नंबर 106, नेटवर्क मैनेजमेंट बैकअप एंड रिस्टोरेशन वाला जो टॉपिक है। ये जो लास्ट लाइन मेरी हैंड रिटन है, उसको लिखने के बाद आप सीधा ही लिखना शुरू कर दोगे यहाँ से, हैविंग लोकेटेड अ नेटवर्क फेलियर। यानी एक बार हमें ट्रैफिक मैट्रिक्स ने बता दिया कि फेलियर कहाँ पर है नेटवर्क में, इशू कहाँ पर है, उसके बाद हमारे पास क्या है करना है, हमने उस फेलियर को या उस प्रॉब्लम को ठीक करना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम को ठीक करने के दो तरीके हैं, दो तरह के हम एक्शंस ले सकते हैं। एक को हम कहते हैं एक्सपेंसिव कंट्रोल एक्शंस, एक को हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव कंट्रोल एक्शंस। अब सबसे पहले लेट अस डिस्कस एक्सपेंसिव कंट्रोल एक्शंस। मैं आपको समझा दूंगी, नोट्स मैंने आपको दे दिए हैं, अब आपने स्टडी खुद करना है उसके अंदर। ठीक है, एक्सपेंसिव नाम से पता लग रहा है, जो थोड़े एक्सपेंसिव हों, जिसमें कुछ कॉस्ट लग रही है या किसी तरह से वो कोई एफर्ट्स ले रहे हैं, दैट इज़ एक्सपेंसिव कंट्रोल एक्शन। अब एक्सपेंसिव कंट्रोल एक्शंस बेटा फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है टेम्पररी ऑल्टरनेटिव रीरूटिंग, ठीक है, और सेकेंड कैटेगरी है नेटवर्क रिस्टोरेशन। तो सबसे पहले मैं एक्सपेंसिव कंट्रोल एक्शन की पहली कैटेगरी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, टेम्पररी ऑल्टरनेटिव रीरूटिंग। इसके लिए बेटा फिगर 1 देखो, पेज नंबर 107 पर फिगर 1। अब इसमें होता क्या है,
लेट अस सपोज ए से बी तक का जो रूट है ना, उसमें इश्यू है, उसमें फेलियर हो गया है, और हमें नेट ट्रैफिक मैट्रिक्स ने ये बात बता दी है कि ए से बी तक जो पैकेट्स जा रहे हैं या जो बी से ए तक आ रहे हैं वो रीच नहीं कर पा रहे डेस्टिनेशन तक, वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, हमें ट्रैफिक मैट्रिक्स से प्रॉब्लम पता लग गई। ठीक है, अगर हम एक्सपेंसिव कंट्रोल एक्शन का ये वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं, टेम्पररी ऑल्टरनेटिव री रूटिंग, इसमें क्या होता है, हम टेम्पररली क्या करेंगे, ए और बी के बीच में ना एक राउटर लगा देंगे, उसे कहेंगे राउटर सी। ठीक है, और ये जो राउटर है ये एक नया राउटर है, हम नया राउटर खरीदेंगे, उसको ए और बी के बीच में लगा देंगे, ताकि जो पैकेट्स ने ए से बी तक जाना था अब वो वाया सी के थ्रू जाएं, ए सी बी, और जिन्होंने बी से ए तक जाना था वो वाया सी के थ्रू जाएं, बी सी ए। यानी पैकेट्स नहीं रोक के हमने, पैकेट्स मूव कर रहे हैं, हमने जस्ट उनका पाथ चेंज कर दिया है। ठीक है, अब इसको एक्सपेंसिव क्यों कहा गया मेथड को, टेम्पररी ऑल्टरनेटिव री रूटिंग को, नाम से पता लग गया ना, टेम्पररी ऑल्टरनेटिव रूटिंग हमने चूज़ कर ली, हमने री रूट कर दिया पैकेट्स को टेम्पररी टू द ऑल्टरनेट रूट। अब ए बी बी ए यूज़ नहीं हो रहा, ए सी बी और बी सी ए यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब ये एक्सपेंसिव क्यों है, इस मेथड को एक्सपेंसिव क्यों कहा गया, इसके टू रीज़न्स हैं। फर्स्ट रीज़न कि नया राउटर परचेज़ किया, ठीक है, नया राउटर परचेज़ करने में मनी लगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड रीज़न, उस राउटर को जब हमने इंस्टॉल किया तो राउटर में, आपको पता है जितने भी राउटर्स होते हैं उनमें एक राउटिंग टेबल होता है जिसमें प्रॉपर पाथ मेंशनड है कि अगर ए ने बी तक जाना है पैकेट ने तो ये वाला पाथ फॉलो करेगा, यानी राउटिंग टेबल में पूरा डेटा होता है। अब हमने पाथ चेंज कर दिया ए और बी के पैकेट्स का, तो अब हमें राउटिंग टेबल में भी चेंजेस करने पड़ेंगे टेम्पररली, और जब ए से बी पाथ ठीक हो जाएगा तब हमें फिर से सी राउटर को रिमूव करना पड़ेगा, फिर से सारे राउटर में जो डेटा है उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सो एफर्ट्स मांग रहा है, तो इसलिए इसको एक्सपेंसिव कहा गया है। ठीक है, सो देर आर टू रीजन्स कि एक तो हमें नया राउटर परचेज़ करना पड़ा, ठीक है, दूसरा हमें राउटर का जो राउटिंग टेबल है उसमें चेंजेस करने पड़े। सो दैट्स वाई दिस मेथड इज़ नोन एज एक्सपेंसिव कंट्रोल एक्शन, और इसका नाम है टेम्पररी ऑल्टरनेटिव री राउटिंग। अब आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब एक्सपेंसिव कंट्रोल एक्शंस का एक और सेकेंड कैटेगरी आ जाती है, दैट इज़ नेटवर्क रिस्टोरेशन। नेटवर्क रिस्टोरेशन इज़ फर्दर ऑफ टू टाइप्स। पहले ए फिगर देखो, दिस इज़ द फर्स्ट टाइप, डेडिकेटेड रिस्टोरेशन केबल। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ना अगर ए ने बी को डेटा भेजना है तो ए और बी के बीच में मान लो फाइव केबल्स हैं, ठीक है, फाइव पाथ्स हैं, या डेटा पाँच हिस्सों, ठीक है। अब है क्या, जो एक केबल है ना वो स्टैंड बाय केबल है, स्टैंड बाय, और जो फोर केबल्स हैं वो वर्किंग केबल्स हैं, यानी जो डेटा ए से बी तक जा रहा है या बी से ए तक जा रहा है ना, उस डेटा को फोर पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, और 25% 25% 25% 25% डेटा हर चारों में से, हर एक केबल में से पास होके जाता है। ठीक है, इन केस चारों में से कोई एक केबल फेल हो जाती है तो फिफ्थ केबल उसकी जगह ले लेती है, यानी एक टाइम पे चार केबल्स ही वर्कलोड शेयर कर रही हैं। ठीक है, और एक केबल उसमें से फेल हो जाती है तो जो हमने बैकअप या रिस्टोरेटेड या स्टैंड बाय केबल रखी हुई है फिर उसका यूज़ आता है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि सपोज चारों केबल्स हमेशा ठीक चल रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो फिफ्थ केबल हमेशा आइडल बैठी रहेगी, जबकि वो एक रिसोर्स है, हम उसको यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, हम रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हैं, तो ये इस मेथड की प्रॉब्लम है कि यूज़ हम चारों केबल्स को करी जा रहे हैं, फिफ्थ की ज़रूरत ही नहीं कभी पड़ रही, तो वो उसके जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है, नॉर्मल लोड स्प्रेड ओवर ऑल केबल्स। इसमें देखो क्या है, इसमें भी वही है, पांच केबल्स हैं, अब क्या करो, पांचों की पांचों केबल्स में वर्कलोड डिवाइड कर दो, 20 20 20 20 20% पांचों केबल में वर्कलोड डिवाइड हो जाएगा, यानी ए से बी तक जो डेटा जाना है वो पांच हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। इन केस से अगर कोई एक केबल फेल हो जाती है तो क्या करो, तो बाकी चारों केबल्स में 25% 25% 25% 25% डेटा कर दो, यानी कि एक केबल को हमने आइडल नहीं बैठने देना जो कि पहले वाले केस में थी। सो अब ये भी एक्सपेंसिव टेक्निक है, एक्सपेंसिव एक्शंस में क्यों आ जाता है, क्योंकि एक केबल हमें एक्स्ट्रा खरीदनी पड़ी, ठीक है, बैकअप रखने के लिए। सो ये दोनों जो मेथड्स हैं एक्सपेंसिव कंट्रोल टेक्निक्स में आ जाते हैं। बेटा नेक्स्ट टेक्निक्स आफ्टर एक्सपेंसिव कंट्रोल एक्शंस आर रिस्ट्रिक्टिव कंट्रोल एक्शंस। जब हमारे पास इतना बजट नहीं है या हमारे पास एक्स्ट्रा राउटर नहीं है या एक्स्ट्रा हम बैकअप केबल नहीं रख सकते, तो यानी हम एक्सपेंसिव टेक्निक जब यूज़ नहीं कर सकते, बड़ी बारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब हम एक्सपेंसिव कंट्रोल एक्शंस को यूज़ नहीं करना चाहते, सो इन दैट केस वी गो फॉर रिस्ट्रिक्टिव कंट्रोल एक्शंस। अब रिस्ट्रिक्टिव कंट्रोल एक्शंस में क्या होता है, पहली बात ये दो तरह का होता है, वन इन एन एंड वन इन टी। ठीक है,
अभी होता क्या है, रिस्ट्रिक्टिव, नेम से पता लग रहा है कि कुछ कुछ चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर दो या कुछ पैकेट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दो। इसको समझने के लिए बेटा एक डायग्राम दी हुई है, इस टाइम मेरे पास बुक नहीं है, मुझे फिगर नंबर नहीं पता, उस डायग्राम में देखो। उस डायग्राम में भी सेम आपको लगेगा, ये तो टेम्प्रेरी ऑल्टरनेटिव रीराउटिंग की तरह ही डायग्राम है, यानी द लिंक फ्रॉम ए टू बी इट गेट फेल्ड, वो लिंक फेल हो गया है, ठीक है, और ए का पैकेट बी की तरफ और बी का पैकेट ए की तरफ अब नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि लिंक में फेलियर आ गया है। तो हमने टेम्प्रेरी ऑल्टरनेटिव रीराउटिंग में क्या किया था, हमने एक नया राउटर लिया था, उस नए राउटर को हमने इंस्टॉल कर दिया था दोनों के बीच में, ठीक है, और ये एक्सपेंसिव था क्योंकि हमने नया राउटर लिया था, हमें टेबल में चेंजेस करने पड़े, ठीक है। लेकिन रिस्ट्रिक्टिव में भी यही करना है, हमने हमने एक राउटर ए और बी के बीच में लगा देना है, ठीक है, ताकि जो पैकेट्स ए से बी तक जा रहे हैं या बी से ए तक जा रहे हैं वो वाया सी के थ्रू जाएं। लेकिन फ़र्क ये है, जो कि बहुत मेजर डिफरेंस है, कि उस केस में टेम्प्रेरी ऑल्टरनेटिव रीराउटिंग के केस में हमने जो राउटर परचेज किया था या लिया था या जो हमने इंस्टॉल किया था वो एक न्यू राउटर था, हमने नया राउटर खरीदा था। इस केस में हमने नया राउटर नहीं लेना, हमने क्या करना है, इंटरनेट में या नेटवर्क में ऑलरेडी कोई एक राउटर जो लगा हुआ है उसको हमने थोड़ी देर के लिए ए और बी के पैकेट्स के लिए भी यूज़ करना शुरू कर देना है। यानी हमने नया राउटर नहीं खरीदा, हमने जो ऑलरेडी इंटरनेट में इंस्टॉल्ड है राउटर या ऑलरेडी नेटवर्क में जो राउटर इंस्टॉल्ड है उसको अब हम एज अ बैकअप यूज़ कर रहे हैं, समझे। सो इसमें खर्चा नहीं हुआ, ठीक है, ऑलरेडी जो नेट पे राउटर है लगा हुआ है अब उसको ए और बी का पाथ भी दे दिया थोड़ी देर के लिए जब तक वो लिंक जो है रिजॉल्व नहीं हो जाता। अब इसका मतलब हमें नया राउटर नहीं खरीदना पड़ा, सो दैट इज़ नॉट एन एक्सपेंसिव एक्शन। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि जो सी राउटर हमने इंस्टॉल किया है वो ऑलरेडी नेटवर्क में था, अब सी राउटर के पास अपना भी वर्कलोड होगा, अपना ऑलरेडी वर्कलोड होगा जो पहले हैंडल कर रहा है, अब उसके पास ए का वर्कलोड भी आ गया, बी का भी आ गया, तो हो सकता है कि जो सी राउटर हमने बीच में लगाया है नेटवर्क में से ही एक राउटर पकड़ के हमने वहाँ उसको ए और बी का पाथ दे दिया है, वो क्रैश हो जाए, ओवरलोड हो जाए, वर्क करना बंद कर जाए, ठीक है। तो इसका इसलिए हम क्या करते हैं, जो ए और बी के बीच में जो पैकेट्स ट्रैवल होने हैं ना, क्योंकि ए और बी का लिंक तो फेल हो चुका है, वाया सी के थ्रू जा रहे हैं, तो सारे पैकेट्स को हम अलाउ नहीं करते ए और बी के सारे पैकेट्स सी के थ्रू जाएं, सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट पैकेट्स हैं ना उनको अलाउ करेंगे। या कौन से पैकेट्स को अलाउ करेंगे, इसके दो क्राइटीरियाज हैं, मैं आपको बताती हूँ, और बाकियों को हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि अभी थोड़ी देर के लिए रुको, वेट करो, जब तक ए और बी का लिंक ठीक नहीं हो जाता तब तक अभी वेट करो, या ताकि सी राउटर जो है जिसके पास ऑलरेडी अपना वर्कलोड है वो ओवरबर्डन ना हो जाए, क्योंकि हमने सी राउटर नया नहीं खरीदा, हमने नेट पे जो ऑलरेडी लगा हुआ था, जो ऑलरेडी नेटवर्क में इंस्टॉल्ड था, उसी को ही हमने एक्स्ट्रा वर्कलोड दे दिया ए और बी का। अब कुछ पैकेट्स को हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करने के दो क्राइटीरियाज हैं, एक है वन इन एन डाइल्यूशन, यानी हर एन पैकेट्स में किसी एक पैकेट को अलाउ करो जाने का, बाकी एन माइनस वन पैकेट्स को भी रिस्ट्रिक्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल लेट अस अज्यूम वी हैव टेकन द वैल्यू ऑफ एन एज 10, तो इट मीन्स 10 पैकेट्स में से एक पैकेट को भेज जाने दो वाया सी, बाकियों को 9 को भी रोक लो कि जब ए और बी का लिंक ठीक होगा तो वो तब जाएंगे। और दूसरी डाइल्यूशन होती है वन इन टी, यानी हर टी सेकेंड्स में एक पैकेट को भेजो, सपोज टी की वैल्यू 5 है तो हर 5 सेकेंड में जितने पैकेट्स आए उनमें से एक पैकेट को अलाउ करो बस, बाकियों को अभी वेट करवानी है। फिर अगले 5 सेकेंड्स में जितने पैकेट्स आए उनमें से एक राउटर को, एक पैकेट को अलाउ करो वाया सी के जो थ्रू जाए, बाकी अभी रिस्ट्रिक्ट है। उनको हम डिस्कार्ड नहीं कर रहे कि उन्होंने नहीं जाना, हाँ उनको कह रहे हैं कि थोड़ी देर वेट करो जब तक ए और बी का लिंक ना फेल हो जाए, और जो फेल्ड लिंक था वो ठीक ना हो जाए। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि सी राउटर क्रैश ना हो जाए ओवरलोड होके। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। सो दीज वर ऑल द एक्शंस विच वी कैन टेक वेन एवर वी नोटिस अ फेलियर इन द नेटवर्क, ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको एक PDF के लास्ट पेज में एक चार्ट भी बना के भेजा जिसमें अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ है कि कौन सी कैटेगरी किसके अंडर आती है। सो विद दिस टॉपिक इज़ ओवर, नेटवर्क परफॉर्मेंस मॉडलिंग।